हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक कंपैरिजन वीडियो, जो कि है रेनो क्विड 2018 वर्सेस रेनो क्विड फेसलिफ्ट वर्जन 2019 के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको नई वाली क्विड के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं और कौन कौन से आपको एडिड फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। सो गाइज, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आता रहता हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ रेनो क्विड का 2018 वेरिएंट, जो कॉस्ट करता है 4.65 लाख ऑन रोड प्राइस। अगर मैं इसके फ्रंट लुक की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 2 स्लैट की ग्रिल मिल जाएगी, उसी के अंदर आपको रेनो का लोगो मिलेगा। स्मोकी शेप के अंदर आपको इसके हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे और उसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर भी प्लेस्ड ऑन मिल जाएगा। डुअल टोन आपको बम्पर देखने के लिए मिल जाते हैं, वहीं आपको फॉग लैंप्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की साइड आपको स्कैड प्लेट ब्लैक में अवेलेबल हो जाती है। वहीं अगर मैं फेसलिफ्ट वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी कॉस्मेटिक चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। डुअल टोन आपको बम्पर देखने के लिए मिल जाता है और सबसे जो बढ़िया चीज़ मुझे लगी, इसके अंदर आपको स्प्लिट हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर की साइड आपको लाइक हेक्टर और हैरियर की तरह आपको LED DRL प्लेस्ड ऑन देखने के लिए मिल जाती है। वहीं नीचे की साइड आपको हेडलैम्प्स इसके देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 3 स्लैट ग्रिल मिलती है, ऊपर वाली आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाती है। बीच में आपको बोल्ड रेनो का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे आपको स्किड प्लेट मिलते हैं, जो कि ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल जो इसके लुक है वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर मैं साइड लुक की बात करूँ 2018 वेरिएंट की, तो यहाँ पर आपको इसके व्हील आर्चेस के ऊपर आपको क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, वहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। R14 का आपको इसके अंदर स्टील व्हील देखने के लिए मिलता है और उसी के ऊपर आपको व्हील कवर भी देखने के लिए मिल जाता है। ORVMs आपको ब्लैक आउट मिलेंगे, डोर हैंडल्स आपको ब्लैक आउट मिलेंगे। नीचे आपको सेम डोर गार्ड दिखता है, बट ये आपको डिकैल है, जो कि स्टिकर आप इसे कह सकते हो, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। बी पिलर आपको ब्लैक आउट देखने के लिए मिल जाएगा मैट लुक में। वहीं पीछे आपको RXT की बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल कार काफ़ी बढ़िया लगती है, बट अगर वहीं मैं इसके RXT वेरिएंट की बात करूँ 2019 फेसलिफ्ट आएगी, तो यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके साइड लुक में, बट एक चेंज आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाएगा, जो इसका बी पिलर है, वहाँ पर आपको मैटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। बॉडी कलर आपको बी पिलर देखने के लिए मिलेगा। ORVM में आपको सेम ब्लैकआउट मिलेगा और वहीं आपको जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको ब्लैकआउट देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्लैक फिनिश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पीछे की साइड आपको RXT की भी बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके ओवरऑल कलर की, तो ये कलर इस बार नया आया और काफ़ी अपीलिंग लुक आपको दे देता है। अब बट वहीं अगर मैं पुराने वाले वेरिएंट की बात करूं बैक साइड के लिए, तो बैक साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा रिवर्स कैमरा, आपको देखने के लिए मिलता है रेनो के लोगों के बीच में, और वहीं आपको क्विड की बैजिंग मिल जाती है। रेनो की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं आपको डिफॉगर वगैरह पीछे इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। पीछे की साइड आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिलेंगे, 3-3 आपको पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं अगर मैं फेसलिफ्ट वर्जन की बात करूं, तो फेसलिफ्ट वर्जन में आपको काफ़ी कॉस्मेटिक चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स एड ऑन हो जाते हैं। डुअल टोन आपको बम्पर देखने के लिए मिलता है। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है कि इसके अंदर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं आपको LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिल जाती है, जो रात के टाइम काफ़ी फैसिनेटिंग लुक देती हैं। वहीं सेम आपको पीछे रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिलता है और वहीं आपको पीछे पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जो कैमरे की प्लेस्ड है वो मैं आपको बताता हूँ, कैमरे को रेनो के लोगों के बीच में प्लेस्ड ऑन किया गया, जो काफ़ी बढ़िया लगता है। क्विड की आपको बैजिंग थोड़ी सी बोल्ड इस बार मिल जाती है और ओवरऑल इसके अंदर और कोई चेंज पीछे की साइड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मैं साइड लुक की बात करूं, तो यहां पर आपको ड्राइवर साइड ही आपको पीछे की साइड रिफिलिंग पॉइंट पीछे मिल जाएगा पेट्रोल के लिए, जो एक बढ़िया चीज़ आपको मिल जाती है। जब आप फ्यूल रिफ़िल कराते हैं तब आपको काफ़ी ईज़ हो जाता है फिर रिफ़िल कराने के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके इंटीरियर की, ओल्ड क्विड के मैं अगर इंटीरियर की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको देखने के मिल जाएगा ड्राइवर साइड आपको जो डोर हैंडल है वो आपको क्रोम फिनिश के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी और कोई भी आपको इसके अंदर एज सच जो स्पेस है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। कुछ ऐसा लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा रेनो ओल्ड वाली क्विड के अंदर। 7 इंचेस का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। AC वेंट्स के आसपास आपको क्रोम एसेंट्स का वर्क देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। वहीं आपको 2 कीज़ मिलते हैं, 1 की के अंदर आपको इसके मिल जाएंगे सेंटर लॉकिंग के बटन्स।
अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको रेड लाइट देखने के लिए मिल जाती है। टैकोमीटर के लिए आपको अलग से कोई इसके अंदर स्लॉट नहीं दिया हुआ है। वहीं आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है। एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जैसी काफ़ी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पर एयरबैग देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। 7 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विच सपोर्ट्स एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। वहीं एसी वेंट्स के आसपास आपको सॉर्ट ऑफ पियानो फिनिश का वर्क ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा जो इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है। मैनुअल एसी आपको यहाँ पर देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। और जो बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है कि आपको जो पावर विंडो के स्विचेस हैं, फ्रंट 2 आपको पावर विंडोज़ मिलते हैं, उसके स्विचेस भी आपको यहीं सेंटर कंसोल में ही दिए हुए हैं। यहीं से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। लॉक अनलॉक का बटन भी आपको यहीं पर मिल जाता है। यूएसबी का ऑप्शन और ऑक्स का ऑप्शन आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाता है। वहीं नीचे की साइड आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। और वहीं साइड में आपको क्रोम एसेंट्स का वर्क भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके ग्लव बॉक्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको को ड्राइवर साइड आपको ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड आपको थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस देखने के लिए मिलता है। इस कार के अंदर आपको सिर्फ सिंगल एयरबैग ही अवेलेबल होता है। वहीं आपको डोर साइड क्रोम फिनिश का वर्क ज़रूर मिल जाता है डोर हैंडल्स पे। अगर मैं इसके सनशेड्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। हेलोजन लाइट्स का वर्क आपको यहाँ पर देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इसके सीट्स की बात करूँ तो फैब्रिक सीट्स आपको इसके अंदर मिलती हैं। फ्रंट में आपको जो हेडरेस्ट है वो डिटैचेबल और एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, जो कि एक मेरे को थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है इस कार के अंदर। अगर मैं वहीं फेसलिफ्ट वर्जन की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको कोई ज़्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। डोर्स पर सेम आपको वही क्रोम एसेंट्स का वर्क देखने के लिए ज़रूर मिल रहा है। 2 पावर विंडोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं और एज सच आपको कोई यूटिलिटी स्पेस नहीं में देखने के लिए मिलेगा। सेम वही क्रोम एसेंट्स का वर्क आपको इस इवेंट्स के आसपास मिलेगा। सेम आपको सीट्स मिलेंगी, फैब्रिक सीट्स आपको अवेलेबल हो रही है, पर जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लुक में आपको देखने को मिल जाए। स्टिचिंग जो है वो उसकी काफ़ी अच्छी देखने के लिए आपको मिल जाती है। अगर आप सीट कवर भी नहीं लगवाते हैं तब भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। वहीं आपको को ड्राइवर साइड भी क्रोम एसेंट्स का वर्क डोर हैंडल पर देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। 8 इंचेस की आपको इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। सेम जो ट्राइवर के अंदर अभी आ रहा है सेम आपको वही में देखने के लिए मिलता है। को ड्राइवर साइड सामने की साइड आपको क्विड की एनग्रेव्ड लोगो देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं आपको 8 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम के आसपास सॉर्ट ऑफ पियानो फिनिश का वर्क आपको ज़रूर देखने के लिए मिलता है, जो और भी ज़्यादा इसकी जो लुक्स है उसको एनहांस कर देता है। वहीं आपको जो पावर विंडो के स्विचेस हैं वो आपको सेम पहले की तरह सामने की तरफ मिल जाएंगे। और मैनुअल एसी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट और यूएसबी ऑक्स की बात करूँ तो वो भी आपको यहीं कप होल्डर्स के आसपास ही अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं सेम आपको ये 0.8 लीटर में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल हो रही है ये वाली कार, RXT वेरिएंट जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको रिवर्स लाइट कैमरे की क्वालिटी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाती है। 8 इंचेस के आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इसके अंदर, जो काफ़ी बड़ा इस कार के अंदर लगता है। वहीं अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ये आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। जो ओल्ड क्विड है उसके अंदर आपको MID बीच में नहीं मिलते, काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर आपको टैकोमीटर डिजिटल मिल रहा है, MID मिल रही है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। स्टेयरिंग व्हील पर आपको सॉर्ट ऑफ पियानो फिनिश का वर्क देखने के लिए ज़रूर मिलेगा रेनो के लोगों के आसपास। सेम आपको सिंगल एयरबैग यहाँ पर मिल जाता है और को ड्राइवर साइड आपको एयरबैग नहीं मिलता है। सेम एसी वेंट के आसपास आपको क्रोम फिनिश देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगी। वहीं अगर मैं इसके बात करूं बैक साइड की RXT वेरिएंट ओल्ड वाली क्विड की तो यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको मैनुअली इसको चलाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं सीट्स की बात करूं तो पीछे आपको जो आर्म रेस्ट है वो नहीं मिलता है। हेडरेस्ट आपको सेम एडजस्टेबल इसमें नहीं मिलता है, जो कि एक मुझे डिसएडवांटेज यहाँ पर ज़रूर लगता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके बैक साइड की तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स पर ज़रूर क्रोम एसेंट्स का वर्क देखने के लिए मिलेगा। बैक पॉकेट आपको सीट्स के पीछे अवेलेबल नहीं हो रही हैं।
वहीं अगर मैं बात करूँ इसके नीचे हम्प की तो वो ज़्यादा नहीं है, लेग रूम आपको ठीक ठाक इसके अंदर मिल जाता है अगर आप सीट्स को बिल्कुल बैक पीछे कर देते हैं। अगर मैं इसके हेड रूम की बात करूं तो वो भी आपको यहां पर अच्छा खासा अवेलेबल हो जाता है, स्पेस की आपको यहां पर कोई कमी नहीं लगने वाली है। अगर मैं इसका आपको इंटीरियर दिखाऊं पीछे से तो कुछ ऐसा लगता है ओल्ड वाली क्विड का। आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, ओल्ड वाली क्विड का या फिर नई वाली क्विड का आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फेसलिफ्ट वर्जन वाली क्विड, तो यहाँ पर आपको एज सच कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। दोनों ही कार्स के अंदर सेम कोई चेंज नहीं किया गया है, दो पावर विंडोज़ ही मिल रहे हैं और डोर हैंडल्स आपको क्रोम वाले मिल रहे हैं। स्पेस का आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम आपको लेग रूम मिल रहा है, सेम आपको इसमें हेड रूम अवेलेबल हो रहा है जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो। आप मुझे कॉमेंट करके बताओ कि आपको दोनों कार्स में से कौन सी कार ज़्यादा बढ़िया लग रही है लुक वाइज, इंटीरियर वाइज और एक्सटीरियर वाइज। सेम आपको दो पावर विंडोज़ ही इसके अंदर अवेलेबल हो रही हैं। अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूं तो वो आपको सेम मिल रहे हैं, एडजस्टेबल आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं, सेम आपको फिक्स्ड वाले इसके अंदर हेडरेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो 279 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। रियर पार्सल ट्रे आपको यहां पर देखने के लिए अवेलेबल हो जाती है। एक चार्जिंग ऑप्शन आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट पीछे की साइड अवेलेबल हो जाता है दोनों ही कार्स के अंदर। वहीं आपको जो स्टील रिम पीछे की साइड जो स्पेयर व्हील है वो आपको स्टील रिम के अंदर मिल रहा है। R14 का आपको यहाँ पर स्टील रिम देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। हालांकि जो टूल किट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पर साथ में अवेलेबल हो रही है। अभी इस जो ओल्ड क्विड है इसके ऊपर डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर आप ज़रूर वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर मैं फेसलिफ्ट वर्जन वाली क्विड का आपको मैं बूट दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सेम पार्सल ट्रे अवेलेबल हो रही है और सेम आपको जो बूट स्पेस है वो भी अवेलेबल हो रहा है। चार्जिंग ऑप्शन भी आपको सेम मिल रहा है, एज सच आपको कोई चेंज पीछे की साइड देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम आपको जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको स्टील रिम मिल रहा है। R14 का आपको यहाँ पर स्टील रिम देखने के लिए मिल जाता है। टूल किट वगैरह सब आपको सेम मिल रहे हैं, उसके अंदर कोई एज सच चेंज नहीं किया गया। पार्सल ट्रे भी आपको पीछे की साइड मिल जाती है। सो गाइस ये था कुछ कंपैरिजन वीडियो दोनों ही कार्स का, ओल्ड वर्सेस न्यू क्विड। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। बाकी वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करो। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।